और आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, तो दिल्ली से लेकर काशी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की गई है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी में हम आपको बता दें कि विशेष कार्यक्रम रखा गया है, तो वहीं स्वच्छता अभियान से लेकर कई कार्यक्रम शेड्यूल किए गए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धि की बात करें तो सरकार ने 100 दिनों में 3,00,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी 20,000 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। वहीं मध्य वर्ग को टैक्स में राहत देते हुए 7,00,000 तक की आय तक टैक्स फ्री किया गया है। वहीं ईज ऑफ डूइंग की बात की जाए तो बिजनेस से लेकर युवाओं के कौशल और रोजगार के लिए कदम उठाए गए हैं। नारी सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मोदी 3.0 में खास कदम उठाए गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर आज कई कार्यक्रम रखे गए हैं। देश भर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कार्यक्रम रखा गया है। 100 दिन भी मोदी सरकार के पूरे हो रहे हैं 3.0 के, और इसमें जो तमाम उपलब्धियां हैं वो भी आज गिनाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के बनारस दौरे की। तो देर रात सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी बच्चे से दुलार प्यार करते भी नजर आए, जैसी तस्वीरें पहले भी कई बार आ चुकी है। विकास कार्यों की समीक्षा से पहले सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री। तो कल से मुख्यमंत्री वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग की, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच भी गए, वहां पर बच्चों को दुलारते भी दिखे और क्या क्या वहां पर इस वक्त काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं इस बात की भी जानकारी। और प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश बीजेपी सेवा पखवाड़ा शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा के तहत आज उत्तर प्रदेश बीजेपी पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाएगी। साथ ही प्रदेश में रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। सीएम योगी वाराणसी में मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक लखनऊ में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश भर में आयोजित स्वच्छता अभियान और रक्तदान शिविर में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री, अपने प्रभार वाले जिलों में और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और आज हम आपको बता दें विश्वकर्मा पूजा भी है, इसलिए विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आज सीएम योगी एमएसएमई इकाइयों में 50,000 करोड़ का लोन और कारीगरों को टूल किट बांटेंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को टूल किट देने वाले हैं। शाम 4 बजे जुपिटर हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आज विश्वकर्मा पूजा के मौके पर कारीगरों को टूल किट बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं धर्मांतरण की। तो सुल्तानपुर से खबर है जहां पर धर्मांतरण के आरोप में 4 गिरफ्तार किए गए हैं। गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन ये लोग करवाया करते थे। मुकदमा दर्ज अब इन पर कर लिया गया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पकरौली गांव में इनकी गिरफ्तारी की गई है। अंधविश्वास और बीमारी ठीक करवाने के बहाने ये काला कारोबार चल रहा था धर्म परिवर्तन का। अन्य जिलों में भी धर्म परिवर्तन करवाने वाले से अब इनके कनेक्शन मिल रहे हैं। तो किस तरह से सुल्तानपुर में धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, डराया जाता था धर्म के नाम पर, तमाम तरह की बातें करके अब इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बताया जा रहा है कि इनके जो कनेक्शन है वो अगल बगल के जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ अलग राज्यों में भी।
रायबरेली में टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना शहर कोतवाली के सुपर मार्केट की बताई जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जब टायर के इस दुकान में आग लगी तो फिर काला धुआं और आग की लपटें उठते दिखाई दी। शहर कोतवाली के सुपर मार्केट की घटना है। बाद में किस तरह से आग पर काबू पाया जा सका। आजमगढ़ में पैसा देने के बहाने बुलाकर एक पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर एसपीसीओ फोर्स के साथ पहुंचे। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई। परिजन के अनुसार तेजवीर सिंह गाय भैंस का व्यापार किया करते थे। परिजनों का आरोप है कि देवकली तारन के रहने वाले सुरेश रमेश भी मवेशियों का कारोबार करते थे। कुछ समय पहले रुपए के लेन देन में दोनों का विवाद हुआ। आरोप के मुताबिक करीब 2.5 लाख रुपए तेजवीर सिंह का बाकी था जिसको दूसरा पक्ष नहीं दे रहा था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब टीम बना दी है। इसमें कुछ लोगों को बारे में संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली है। हमारी जो टीम है लगी हुई है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके बाद इस घटना का अनावरण किया जाएगा। अभी कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं उनके संदिग्ध लोगों के, तो उनको लिए हमारी टीम लगी है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी और जो भी कार्रवाई है वो शीघ्र इसमें की जाएगी। और प्रतापगढ़ से खबर लेते हैं जहां पर पार्सल कंपनी से गबन और फ्रॉड करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल 1 लैपटॉप बाइक मिली है। ये लोग कंपनी से आने वाले पार्सल को कई बार डिलीवरी अटेम्प्ट दिखाकर कैंसिल करवा देते थे या फिर कस्टमर को बैला फुसलाकर ओटीपी लेकर कैंसिल कर देते थे। जिन पार्सल का कस्टमर भुगतान कर चुके होते उन सामान का ऑर्डर कैंसिल कर देते और वापसी के नाम पर पार्सल सामान अपने पास रख लिया करते थे। इनके माध्यम से डिलीवरी के लिए इनको माल मिलता था तो ये उस ऑर्डर को कस्टमर को धोखे में डालकर उस ऑर्डर को कैंसिल करा देते थे। ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑर्डर होते थे और उससे ओटीपी प्राप्त करके ऑर्डर कैंसिल करा के फिर उसको ऑर्डर की डिलीवरी ये लोग अपनी तरफ से वही चीज़ की दे देते थे जिससे कस्टमर को ये लगता था कि कंपनी ही मुझे माल डिलीवर कर रही है। और जो कैंसिल होने के बाद जो माल वापस कंपनी को किया जाना चाहिए था वो ये लोग नहीं करते थे। उन्नाव में सोशल मीडिया पर लड़की की अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाले लड़की को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आदिल के खिलाफ आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा लिखा गया। आपको बता दें कि लड़की का आदिल ने अश्लील वीडियो बनाया फिर वायरल कर दिया। आरोपी आदिल हसनगंज थाना क्षेत्र के महाराजगंज का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मथुरा से खबर जहां पर ट्रेन के टॉयलेट में लाश मिली। मथुरा कासगंज पैसेंजर ट्रेन में युवक का शव मिला है। लड़के की लाश मिलने से हड़कंप मचा। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। मथुरा के छावनी स्टेशन की घटना बताई जा रही है जहां पर ट्रेन की बोगी के टॉयलेट में लाश मिलने के बाद वहां पर जीआरपी की पुलिस पहुंची। रेलवे पुलिस पहुंचने के बाद इस युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया है ये बताया जा रहा है। मथुरा के छावनी स्टेशन की घटना। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजपाल ने मंगेश एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि अपराधी पालना यादव परिवार की परिपाटी रही है। साथ ही ब्रिजलाल ने कहा कि एसपी सरकार में बदमाश ही एसपी डीएसपी की हत्याएं कराते थे। ऐसा है इस पार्टी का जो शुरू से ही इनकी कार्यनीति रही है वो अपराधियों को पालना है। उसके बाद जब जब ये शासन में आए तो जितने बड़े माफिया थे वो सब समाजवादी पार्टी ने। अति कामत को सांसद बनाया, मुख्तार अंसारी को बनाया, रमाकांत उमाकांत यादव, अन्ना शुक्ला, डीपी यादव, कितने आप हैं जितने बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। तो इनकी नीति ही रही है। और आज एक मंगेश यादव तो ये कह रहे हैं पुलिस धर्म देख करके जाति देख करके गोली चलाती है।
उन्नाव सिपाही के बाद बदसलूकी पर एफआईआर हो गई है। पति पत्नी ने सिपाही को खाने पर बुलाया था, पड़ोसी ने सिपाही के घर आने पर विरोध किया। सिपाही के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला की तहरीर पर दो लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीगापुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक युवक द्वारा एक मुख्य आरक्षी और महिला से बहस की जा रही है। इसकी जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि मुख्य आरक्षी को महिला के पति द्वारा अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया गया था। इस पर पड़ोसी युवक द्वारा मुख्य आरक्षी और महिला से बहस की गई। इस संबंध में महिला द्वारा थाना बीघापुर में तहरीर दी गई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और गाजियाबाद में दानिश नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दानिश पर आरोप है कि उसने अपना धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से पहले तो दोस्ती की, फिर बाद में शारीरिक शोषण उसका किया और मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन जैसे ही लड़की को दानिश की सच्चाई पता चली तो उसने पुलिस में शिकायत पत्र देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और फतेहपुर में नाबालिग की हत्या के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। लड़की 5 महीने की गर्भवती थी। प्रेम संबंधों के चलते हत्या का शक जताया जा रहा है। बिंद की कोतवाली के जाफराबाद बाईपास का मामला है। कल एक लड़की का शव मिला था। शव पर गंभीर चोट के निशान थे और इसी के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया।